हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अंजू, आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउसवाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह की चाय हो गई है, मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अब थोड़ा सा मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा, और उसके साथ बनाना शेक भी बनाऊंगी। चाय दोबारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बनाना शेक के साथ में चाय सही नहीं होगा, इसलिए बनाते हैं हम मिल के साथ में पोहा। मैंने तड़का लगा दिया है, इसमें मैंने कड़ी पत्ता, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी सब कुछ डाला है। और इसमें अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और इसको मैं ढक देती हूँ, इससे ये थोड़ा सा पक जाएगा। इसको मैंने 200 में कर दिया है, ये थोड़ा टाइम पकेगा। जब तक मैं इधर गैस में मूँगफली भून लूँगी, क्योंकि मूँगफली भूनना मैं फिर से भूल गई थी। मैंने मूँगफली निकाल के भी रखी थी और भूनना भूल गई। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मैं पोहा बनाती हूँ कभी कभार भूल जाती हूँ, तो फिर मैं दोबारा उसको भून लेती हूँ। अब मैंने गैस पे अब कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं सोची हूँ उसको भून लेती हूँ जब तक वो सब्जियाँ उधर तैयार हो रही हैं। अभी मेरे को मशीन खोलनी है, उसका पानी नहीं निकल रहा उसमें से, कपड़े तो धुल रहे हैं पर पानी प्रेशर से पाइप से नहीं निकल रहा। देखती हूँ अगर खुलवाऊँगी घर में ही नहीं बनी तो फिर मैकेनिक को बुलवाऊँगी। थोड़ा सा मैंने सोचा पहले नाश्ता हो जाता है उसके बाद। ये पक गया है, इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक, क्योंकि मैंने पहले सिर्फ थोड़ा सा नमक पकने के लिए डाला था। और मसाला मैं भी डालूंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना पीना मसाले के बनाना पसंद करती हूँ। मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी, और ये मैंने भून लिया है मूँगफली। अब इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी, थोड़ी सी शक्कर डाल दी मैंने इसमें। अब इसमें मैं ये भोया हुआ मैंने रखा था पोहा, और ये शक्कर डाल के हो गया मेरा तैयार। इसमें डाल दूंगी मैं मूँगफली। ये बनकर हो गया है रेडी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पत्ती, और इसको थोड़ा सा मैं ढक दूंगी। बंद कर दिया, मैंने दूध पका के रख दिया है। नाश्ता हो जाने के बाद मैं शेक बनाऊंगी तो दूध भी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए, प्रथम मैं डाल देती हूँ उसमें नमकीन। ये मैंने 4 प्लेटें लगा दी हैं। आइए खाइए और बताइए कि मेरा पोहा कैसा बना है। ये रहा मेरा पोहा बनके तैयार, और मैंने प्लेटें भी लगा दी हैं। अब इसको हम ले चलते हैं, सबको देते हैं, और आइए आप ही बताइए खा के कि मेरा पोहा आपको कैसा लगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो गया है, सभी बच्चे और हम खा लिए हैं। अब हम आ गए हैं शेक बनाने। शेक बनाने के लिए मैंने बादाम और किशमिश भी उसमें डाला है, और केला दूध डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर दिया है। और मेरी मशीन मैंने जैसे बोला था ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं हुई है, मतलब उसका पानी सही से नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कचड़ा फंस गया है, पता नहीं क्या। तो नाश्ता होने के बाद मैकेनिक को कॉल करवाऊंगी, एक बार देखूंगी अपने से नहीं बनेगी तब फिर मैकेनिक को बोलूंगी फ़ोन करने के लिए। उसको एक बार खोलूंगी, और उसके बाद थोड़ा लंच मैं लेट बनाऊंगी क्योंकि कपड़े धोना है अभी। एक बार मशीन सही से चलने लगेगी तो कपड़े धोऊंगी। होली के सारे कपड़े ऐसे रखे हुए थे। ये शेक मेरा रेडी हो गया है, आइए और पीजिए। मैंने दोपहर का खाना बना रही हूँ, ये दाल मेरी बन गई है, और इसमें मैंने तड़का लगा के रख दिया है। चावल और रोटी कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि मशीन के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए बस दाल चावल रोटी सिंपल सा खाना दोपहर का बना रही हूँ, और रोटियाँ फटाफट मैं सेक लूँगी। उसके बाद थाली नहीं, हम सारे इकट्ठे ही बैठ के खाते हैं और सारा अपना खाना रख लेते हैं वहीं पे,
और अपना जिसको जो चाहिए वो अपना लेता रहता है और खाता रहता है। मैंने सैलेड में आज कुछ नहीं काटा है, खाली प्याज, नींबू और मिर्च और घी, थोड़ा सा अदरक का अचार। ये देखिए मेरे गांव का चावल है, मेरे खेत का है, बिल्कुल सॉफ्ट कोमल चावल। और रोटियां बनाई मैंने, दाल में तड़का लगाया है, तड़का मैंने इसमें शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल के लगाया है, टमाटर धनिया पत्ती यही सब डाल दिया है, सब्जी नहीं बनाई है। तो मैंने थोड़ा बच्चों को ना यही सब पेट में उनके चला जाएगा मिक्स। अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और कॉफ़ी के लिए दूध मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए। खाना पीना खा के थोड़ा मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद आलस सी आ रही थी, मैंने चलो थोड़ा सा बीपी भी मेरा इसमें लो चल रहा है तो कॉफ़ी बनाऊँगी, थोड़ा सा बीपी भी हाई नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद नहीं ज़्यादा तो मेरे को चाय पसंद है, कॉफ़ी नहीं पसंद है, फिर भी आज मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और बस ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है काम करते करते, समय का पता भी नहीं चलता, बच्चे चले गए हैं खेलने पार्क में। सो गाइस ये लीजिए कॉफ़ी का मज़ा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हमको आपका खूब सारा प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।